नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। और आप सब कैसे हैं? अभी मैं आपसे बेल के बारे में बात करूंगी, जिसे कि बिल्वा भी कहते हैं और बिल भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट से पहले आध्यात्मिक दृष्टि से हम इस प्लांट को बहुत ही पवित्र मानते हैं। जब भी बेल के बारे में हम सुनते हैं तो हमारा एकदम से ध्यान में ये चला जाता है कि शिव आराधना में इनकी पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका फल है, ये बेल है, ये देखिए इसका फल, पका हुआ फल। तो दोस्तों, इसके फलों को भी भगवान के, शिव के चरणों में अर्पित करते हैं और इसकी पत्तियों को भी हम शिव की आराधना में इस्तेमाल करते हैं और पूजा में ये हर रोज़ काम में आती हैं। तो दोस्तों, बिल के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। मेडिसिनल प्लांट होने के कारण आयुर्वेद में तो इसके बहुत ही ज़्यादा, आयुर्वेद में इसका महत्व है। इसको जैसे मानते हैं कि किसी को लूज़ मोशन लगे हैं तो इसके पके फल का गुद्दा निकाल कर खाया जाए और ऊपर से पानी बिल्कुल भी ना पिया जाए तो कुछ देर के बाद ही आराम मिल जाता है। और अगर फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं तो इसके पत्तों का हम पीस के उसका इस्तेमाल करें और ये खून को प्यूरिफाई करता है और जो फोड़े फिंसियाँ आने की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो ये ब्लड प्रेशर के मरीज को भी बहुत राहत देता है। और ये मधुमेह के मरीज, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। रामबाण का काम करता है ये। तो दोस्तों, गुणों से भरपूर तो ये प्लांट है ही, तो हमें इसको अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। हमारे घर के आसपास जहाँ जगह हमें खाली मिलती है तो इस प्लांट को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसको बीज से भी लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग से भी और बड ग्राफ्टिंग से भी। बीज से ये है कि फल इसके थोड़े छोटे साइज़ में आते हैं और फल आने में 8 से 10 साल लग जाते हैं। और अगर आप ग्राफ्टिंग कलमकारी से इसको अगर तैयार करते हैं तो इसमें 4-5 साल के बाद ही फल आना स्टार्ट हो जाते हैं और बड़े साइज़ में फल आते हैं। मतलब जिस प्लांट से आपने कलम ली है और बीज से तैयार प्लांट पे आपने उस कलम को लगा दिया है तो 4-5 साल के बाद उसी साइज़ का बड़ा फल आना स्टार्ट होगा और फल ज़्यादा मात्रा में आते हैं और जल्दी भी आते हैं। और बीज से ये कि फल थोड़ा छोटे साइज़ का आता है और थोड़ी कम मात्रा में आते हैं। तो कई लोग जैसे बीजों से इसकी नर्सरी तैयार कर लेते हैं और फिर बाद में किसी मदर प्लांट से कलमें निकाल के और जो बीज वाले प्लांट तैयार किए होते हैं उन पे कलमकारी कर देते हैं। तो इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसका नित्य प्रयोग करना चाहें तो आप इसको अपने घर में किसी गमले में, बड़े से पॉट में इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को लगा के आप इनकी पत्तियों का रोज़ इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही गुणकारी पत्तियां हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, जब इतना अच्छा औषधीय प्लांट हमारे भारत में, भारत के हर कोने में पड़ा हुआ है तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करना चाहें। तो इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए।
तो दोस्तों ये भारत के हर हिस्से में पाया जाता है और हर तरह की मिट्टी में ये ग्रो कर जाता है। अगर कोई भाई बहन जो पहाड़ों पे गए होंगे जहाँ पे आपने देखी होगी पथरीली मिट्टी होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनमें भी ये इनके पेड़ लगे हुए आपने देखे होंगे। और प्लेन में आप गए होंगे तो वहाँ भी होते हैं, मतलब हर जगह में ये पाया जाता है और हर हर तरह की मिट्टी में ये ग्रो कर जाता है। तो दोस्तों भरपूर फायदे होने के बावजूद भी कई घरों में ये प्लांट नहीं पाया जाता है, जहाँ शायद उनको नॉलेज नहीं है। तो अगर किसी भाई बहन को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर मेरे वीडियो के थ्रू उसको जानकारी मिल रही है, तो प्लीज़ अपने गार्डन में इसको ज़रूर जगह दें। और जैसा कि आप इसका फल देख रहे हैं, तो गर्मियों में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में क्योंकि इस टाइम इनका सीज़न होता है, मार्केट में हर जगह आपको मिल जाएंगे पके हुए फल, तो हम इसका गर्मियों में जूस बना के पीते हैं। और जूस बनाना भी इसका बहुत ही आसान है। इसके ये छिलके को उतार दीजिए, अंदर जो इसका गुद्दा निकलेगा उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए, और पीसने के बाद उसको आप एक बड़े बर्तन में रख लीजिए और चीनी साथ में खूब सारी मिला लीजिए, तो ये जूस जो है आपका काफ़ी दिन तक चलेगा। तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं जब आपका पीने का मन करे। तो फ्रेंड्स वो आप अपना फ्रीज़र में से बर्तन निकालें और कुछ हिस्सा एक फ़िल्टर में लेके इसके पल्प को आप छान लें और कुछ हिस्सा इसके पल्प का डालें और कुछ पानी मिक्स करें। तो ये जो इसका शरबत है काफ़ी दिनों तक चलता है, तो ठंडी तासीर होने के कारण ये लू को दूर रखता है। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसा कि हमारे झांसी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, खास करके लू से बचने के लिए बेल के शरबत का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई फ्रेश फ्रूट की बात, और अगर लंबे टाइम तक आप इसको सेव करना चाहते हैं तो लोग इसका मुरब्बा बना के रख लेते हैं, वो तो बहुत टाइम तक चलता है। और इसका कोई जैम भी बना लेते हैं और कोई कैंडी वगैरह बना के इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कई तरह से ये इस्तेमाल होता है और बहुत सारी बीमारियों को ये दूर रखता है। तो आपने क्या करना है, इसको लगाना कैसे है? अगर आपने बीज से लगाना है तो आप जानते ही हैं कि कैसे लगाना है। ये ऐसे एक गड्ढा कर लीजिए किसी भी पॉट में जहाँ आपने लगाना है, तो वहाँ ये ऐसे गड्ढा करके और इस फल को जब आपने तोड़ना है खाने के लिए, तो इसका पल्प निकाल लीजिए और बीज आप इकट्ठे कर लीजिए, और इस तरह से इसका बीज ये लगा देना है। ये लगा दिया और फिर इसको ऐसे मिट्टी से दबा देना है, ऊपर ऊपर हल्की मिट्टी ऐसे डाल देनी है। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े पॉट में, और चाहे तो आपके पास ज़मीन का कोई टुकड़ा पड़ा है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, और कहीं कोई गेट के बाहर लगाना चाहें तो थोड़ी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं, तो घर के साथ इसको थोड़ा ना लगाएं, क्योंकि अगर घर के साथ लगाओगे तो इसकी जड़ें घर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अगर आपके घर में ज़्यादा जगह नहीं है तो आप बड़े पॉट में लगाइए। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर जगह देंगे। ये मेरे पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि मैं अब इनको बड़े से पॉट में लगा सकती हूँ और इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जब भी मार्केट में मुझे ये बेल का फल मिलता है तो
बल्कि गर्मियों में तो आपको हर एक शॉप पे मिल ही जाएगा, सब्जी वाली दुकान पे आपको मिल ही जाएगा ये। तो इसमें क्योंकि कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो दोस्तों इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप शरबत नहीं पीना चाहते तो आप ये हिस्सा ऊपर का निकाल के इसका पका हुआ पल्प ऐसे भी खा सकते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप इसके फ़ायदे देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे आयुर्वेद वालों का बेल के फ़ायदे देखें, उसमें आपको बहुत तरह तरह के इसके फ़ायदे उन्होंने बताए हुए हैं। और कुछ लोग तो जो कच्चे बेल होते हैं, इसका फल जब बनता है, कच्चे बेल होता है, तो उसको सुखा के उसका चूर्ण बनाया होता है, वो हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी पत्तियों का भी हर रोज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं अब इसके गुण तो भरपूर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी जो जड़ है उसका भी इस्तेमाल होता है प्रेगनेंसी के बाद, जब लेडीज़ को कमज़ोरी आ जाती है तो बॉयल करके उसका पानी दिया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इस प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो अगर तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।